हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमाज नेचर्स नेस्ट। आज मैं आप लोगों के सामने पांच ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ जो आपके प्लांट्स के लिए एक बूस्टर का काम करेंगे। साथ ही साथ ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इससे रिच हैं और आपके प्लांट्स में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी और आपके प्लांट्स जो हैं हेल्दी ग्रोथ करेंगे। देख लेते हैं जिस तरह से मेरे प्लांट्स, ये देखिए कितने हेल्दी फ्लावरिंग कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ देखिए कितने खूबसूरती से हो रही है। मैं इन्हीं लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ जो टाइम टू टाइम चेंज करके देती रहती हूँ। इन फर्टिलाइज़र को मैं डाइल्यूट कर लेती हूँ और डाइल्यूट करके इन सभी प्लांट्स में देती हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इनमें से कई तो हमारे घर पर ही अवेलेबल हो जाते हैं जिससे हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। चलते हैं, हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं कि हमने किस तरह से बनाया है और इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं। ये अनियन पील का फर्टिलाइज़र है, इसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसके बाद ये वाला जो है ये सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये काउडंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। काउडंग में मैंने गाय का जो गोबर का उपला होता है उसको ले लिया था और उसको जो है वाटर में डिप कर दिया। इन सभी फर्टिलाइज़र को बने हुए 12 से 15 दिन हो गए हैं। 12 से 15 दिन में ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो है वाटर में घुल जाते हैं और इसका वाटर जो है डाइल्यूट करके हम सभी प्लांट्स में दे देते हैं जिससे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले हम ऑनियन पील में देख लेते हैं कि इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे रहते हैं। इसमें जो है पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर, ये जो है काफ़ी मात्रा में मिलता है जिससे हमारे प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करता है। एरिका पाम में जो है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र। वर्मी कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और कुछ ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन्स, साइटोकिन्स, अमीनो एसिड्स और कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं, तो हमारे इन प्लांट्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। नेक्स्ट हम बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र पे आ जाते हैं। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है और इसमें नाइट्रोजन जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन फूल वाले पौधों के लिए तो ये एक बहुत ज़्यादा बूस्टर का काम करता है और जिससे फ्लावर्स जो है लगातार ग्रूमिंग करते रहते हैं और उनमें बड्स फॉर्मेशन बनती रहती हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है मैं उन सब में इसी का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। नेक्स्ट हम अपने सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है, इसमें जो है सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। और विंटर में तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। समर में हम इसका थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी खाद को जो है गर्म माना जाता है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है थोड़ा इसकी गर्माई को कम कर देता है और पौधों में एक बूस्टर का काम करता है। नेक्स्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम अपने काउडंग मैन्योर के लिक्विड फर्टिलाइज़र को ले लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा रहता है, पोटेशियम थोड़ा कम रहता है, फॉस्फोरस भी होता है इसमें, और ये जो है जो सॉइल का एरिएशन सिस्टम होता है उसको बढ़ाता है और जो सॉइल जम जाती है उसको ब्रेकअप करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इन सभी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप भी अपने फ्लावरिंग प्लांट से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो आप वेजिटेबल ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सभी लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं और ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इनको डाइल्यूट करके जितनी क्वांटिटी में ये है इसे ट्रिपल वाटर डाल के इनको प्लांट्स में दीजिए जिससे आपके प्लांट्स जो हैं हेल्दी रहेंगे और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे।
उम्मीद करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।